आदाब, केपीन्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चांगलेरी के तुमकुंटा ग्राम में स्थित श्री कोदाड़ा वीरभद्रेश्वर देवस्थान का मनाया गया जात्रा महोत्सव। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का विवादित बयान, बोले कर्नाटक के लोग ना खरीदें अमूल उत्पाद। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पुराने होने पर बाघों की संख्या जारी करेंगे। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एम्स का किया शिलान्यास, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का महिलाओं के पहनावे पर विवादित बयान। दिल्ली में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने पाया स्थिति पर काबू। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिंचोली के चांगलेरी के तुमकुंटा ग्राम में स्थित श्री कोदाड़ा वीरभद्रेश्वर देवस्थान का 15वां जात्रा महोत्सव मनाया गया। इस जात्रा महोत्सव में स्थानीय लोगों के अलावा बीदर, कलबुर्गी, रायचूर के अलावा दूसरे स्थानों से श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूजा की गई और श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस अवसर पर उपस्थित स्वामी जी और दूसरों ने मीडिया को इस यात्रा के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಎರಡು ವರ್ಷ, ಮೂರು ವರ್ಷ, ಇದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬವನೇ ಇದ್ದ. ಆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಟರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಹ್ಯಾಂಗಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು ಜಲ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಗಾಲದಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾಗ, ಈಗ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಯದ್ಭಾವ ತದ್ಭವತಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಅಲ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು ಮೇ ಈ ಕೊಳ್ಳದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುತ್ ಕಾಲೋ ಸೆ ನಿಜಾಮ ಸೆ ಪಹಲೆ ಸೆ ಕಾಲೋ ಸೆ ಇದರ ಖೇತ ತಾ ಪೂರಾ ವೋ ಖೇತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾ ಕರೇ वो फॉरेस्ट लेके खरीदी करके फॉरेस्ट कर दिया. ये देवस्थान बहुत फेमस है. स्वामी जी बोलने के जैसा ये कोलद वीरण्य का पानी है ना, पानी मेडिसिन पानी है. बहुत लोगों को मालूम नहीं इधर मेडिसिन प्लांट करे तो. मैं कर्नाटक में देखा, बहुत सारे विलेज में देखा. तुमकुर में एक देवस्थान है, एक हजारों किलोमीटर ऊपर उसका पानी आता होगा कोरटगेरी बोल के. वो ऐसा है, ये पानी का बहुत फेमस है. इधर का लोगों को क्या है वो मालूम नहीं है. ये स्वामी जी भी इधर बर्त हो गए, हम भी इधर बर्त हो गए. कर्नाटक का पूरी लोग को इधर आना, ऐसा बड़ा यात्रा करना हमारे लोगों को बहुत ये है. ये खेड़े गाँव में स्वामी जी बोले सो सब बीदर, गुलबर्गा, रायचूर सभी बहुत दूर दूर से लोगों का आ रहे हैं आके इधर देवस्थान को. सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, इस मुहावरे का अचूक उदाहरण शुक्रवार को कलबुर्गी में देखने में आया. शुक्रवार को चंद्रशेखर हिरेमठ बीजेपी से आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है. इस अवसर पर चंद्रशेखर हिरेमठ मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पार्टी की तारीफों के पुल बांध दिए. कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता सतीश होनल्ली की रिपोर्ट. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ನಾನು ಉಪಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತಾಗ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 26,000 ಜನರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು RDPR ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ಸು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಕೆಲವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು.
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನ ಒಲಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಳಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 100,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೋ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ BJP ಆ ಥರ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮನನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟೆ. ಕೇವಲ 500 ಓಟ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಶ್ರಮ. BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದರು, ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜನವಿರೋಧಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಥರ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ನೇ ತೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದವರು ಯಾವುದು. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं वैसे ही चुनाव अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है. वोटर्स की शंका दूर करने के लिए शुक्रवार को कलबुर्गी के चुनाव अधिकारी भुवनेश पाटिल IPS ने सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को और अधिकारियों को EVM चेक करने और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए बुलाया. कलबुर्गी दक्षिण के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सज्जाद अली इनामदार ने EVM के संबंध में प्रश्न कर अपनी सारी शंका दूर किया. कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता सतीश हुनल्ली की रिपोर्ट. कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक के सभी लोगों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए. सिद्धरामैया का यह बयान कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF और गुजरात के आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के बीच विलय की अटकलों के बीच आया है. सिद्धरामैया ने कहा कि सभी कन्नड़ीगांवों को सर्वसम्मति से KMF के हड़पने का विरोध करना होगा जो देश के किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया है. सभी कन्नड़ीगांवों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं के भीतर अतिक्रमण करके हिंदी और भूमि राजद्रोह को थोपने के अलावा अब भाजपा सरकार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF को बंद करके किसानों को धोखा देने जा रही है जो कि किसानों की आजीविका है. देश में लाखों डेयरी किसान परिवार हैं जिनको नुकसान होगा. सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से भी मुलाकात की और उन्हें मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और अमूल को पिछले दरवाजे से प्रवेश करने से रोकने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य के जनमत संग्रह को अपने ध्यान में लाना चाहिए और इस विश्वासघाती सोच को रोकना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक मेगा इवेंट में नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे. वो अमृतकाल के दौरान बाघ संरक्षण के लिए सरकार का विजन भी जारी करेंगे. IBCA दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ शेर तेंदुआ हिम तेंदुआ प्यूमा जागुआर और चीता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा. इन प्रजातियों को आश्रय देने वाले देशों की सदस्यता के साथ बांधदीप जाएंगे. वो तमिलनाडु की सीमा से लगे चामराजनगर जिले के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकडू हाथी शिविर का भी दौरा करेंगे और हाथी शिविर के महावतों और कावड़ियों से बातचीत करेंगे. वे टाइगर के फील्ड निदेशकों से भी बातचीत करेंगे. अब वक्त है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं.
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचे, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे। केसीआर ने एक बार फिर पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार के एक मंत्री को पीएम मोदी के अगवानी के लिए भेजा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए दोनों शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी पर हमलावर रहे हैं। विपक्ष के कुछ अन्य नेता भी अडानी को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रहे एनसीपी के नेता शरद पवार ने कांग्रेस तेवरों से किनारा किया है। उन्होंने हिंडनबर्ग विवाद पर कहा कि अडानी को टारगेट किया जा रहा है। अडानी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच कराने की मांग का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने समर्थन नहीं किया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी जांच हो रही है, ऐसे में ज्यादा उम्मीद है कि सच सामने आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद जेपीसी जांच का कोई महत्व ही नहीं है। इस बयान के बाद विपक्षी एकता में दरार पड़ने लगी है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने गौतम अडानी का समर्थन करते हुए कहा कि एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया। इतना ही नहीं, पवार ने यह भी कहा कि इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग व्यर्थ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इस बार बीजेपी नेता का लड़कियों के पहनावे को लेकर बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जैन समाज के एक कार्यक्रम में लड़कियों के पहनावे को लेकर उन्हें शूर्पनखा बताया। विजयवर्गीय ने कहा, लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं, महिलाओं को हम देवियां कहते हैं लेकिन उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता। वे इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित महावीर बाग में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आज भी जब निकलता हूं, पढ़े लिखे नौजवानों बच्चों को झूमते हुए देखता हूं, तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसे दूं कि उनका नशा उतर जाए। सच कह रहा हूं, भगवान की कसम, हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोलूंगा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता, बिल्कुल शूर्पनखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, अच्छा कपड़ा पहनो यार, बच्चों में आप संस्कार डालिए, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं आज भी जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ, तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में क्या भगवान की कसम खा के, तो हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोलना।
और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। अब वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में पीवीसी बाजार में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर इस इलाके में लगी आग में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एसके दुआ ने कहा कि सूचना मिलते ही दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हवा के कारण आग तेजी से फैल रही थी। बीती रात टिकरी इलाके की पीवीसी मार्केट में रात 1:24 पर आग लगी। आग बुझाने में कई घंटे लगे। आग पर काबू पाया जा चुका है। इस समय कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। आग की चपेट में कोई इंसान नहीं आया है। टिकरी कलां में पीवीसी बाजार के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी ये आग मध्यम श्रेणी की बताई गई है। अभी तक जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले गुरुवार की रात समालखा कापसहेड़ा इलाके के एक गोदाम में भीषण आग लग गई थी। दमकल विभाग के अनुसार ये घटना सोनिया गांधी कैंप में हुई थी। तब आग को बुझाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। हालांकि आग लगने के पीछे के कारणों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। पश्चिम बंगाल में 4 महिलाओं को सड़क पर रेंगते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पहुंचकर फिर से पार्टी की सदस्यता लेने के लिए कथित तौर पर मजबूर करने की खबर सामने आई है। इसका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं को सड़क पर रेंगते हुए दिखाया गया है। ये घटना बालूरघाट की बताई जा रही है, जहां वीडियो में 3 आदिवासी महिलाओं ने सड़क पर दंडवत करके रेंगते देखा गया। इसके बाद इन आदिवासी महिलाओं ने टीएमसी ज्वाइन की। ये महिलाएं इसके एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजुमदार ने इसका वीडियो ट्वीट करने के साथ ही टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। सुकांत मजुमदार ने कहा कि मार्टिना किस्कू, शिवली मार्डी, ठाकरन सोरेन और मालती मुर्मू कल भाजपा में शामिल हो गई थी। ये एससी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। ये सभी तपन गोफानगर तपन की निवासी हैं। आज टीएमसी के गुंडों ने उन्हें टीएमसी में वापस जाने के लिए मजबूर किया और दंडवत परिक्रमा करने को कहकर सजा दी।
इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने के लिए जमकर हमला बोला। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालविया ने ट्वीट करके कहा कि दंडवत पराक्रमा करने वाली ये आदिवासी महिलाएं मार्टिना किस्कू, शिवली मार्डी, ठाकरन सोरेन और मालती मुर्मू बालूरघाट की रहने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर वायुसेना अड्डे पर सुखोई 30 में उड़ान भरी। ये किसी लड़ाकू विमान की उनकी पहली उड़ान थी। लड़ाकू विमान में कदम रखने से पहले उन्हें एक एंटी ग्रेविटी सूट पहने देखा गया था। राष्ट्रपति जो वर्तमान में आसाम की यात्रा पर हैं, तीनों सेवाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं। बता दें कि 2009 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। सुखोई 30 एमकेआई रूस के सुखोई द्वारा विकसित और भारत के एरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित एक ट्विन सीटर मल्टीरोल फाइटर जेट है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चांगलेरी के तुमकुंटा ग्राम में स्थित श्री कोदाड़ा वीरभद्रेश्वर देवस्थान का मनाया गया जात्रा महोत्सव। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का विवादित बयान, बोले कर्नाटक के लोग ना खरीदें अमूल उत्पाद। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पुराने होने पर बाघों की संख्या जारी करेंगे। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एम्स का किया शिलान्यास, वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का महिलाओं के पहनावे पर विवादित बयान। दिल्ली में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने पाया स्थिति पर काबू। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।